दीपों के पर्व दीपावली पर आतिशबाजी का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने महानगर के 13 स्थानों को चिन्हित करते हुए पटाखों की दुकान की अनुमति दी है। जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनंदन श्रीवास्तव ने बताया कि महानगर में कुल 13 स्थानों को पटाखे की दुकान लगाने के लिए चिन्हित किया गया है, जहां पर अस्थायी पटाखा की दुकान लगाई जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए महानगर में 50% ही पटाखा दुकान लगाने की अनुमति दी गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि आतिशबाजी केवल दुकानदारों को अपने दुकान पर बालू अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस बार 3 नए स्थानों पर पटाखा दुकान लगाने की अनुमति दी गई है, जिसमें चंपा देवी पार्क, नौकैन स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क एवं सेंटर ड्यूज इंटर कॉलेज परिसर शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए कुल 13 स्थलों को चिन्हित किया गया है जिनमें पटाखे दुकान लगाई जाएगी, और स्थल चिन्हित करने के साथ हम ये देख रहे हैं कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो। इसीलिए पूरा प्रयास ये है कि पिछली बार जो दुकानें लगाई गई थी उसके लगभग 50% दुकानें इस बार लगाई जाएँ, तो और सबका नजरी नक्शा बना के दे दिया गया है। जो स्थल के स्वामी हैं उनको भी नजरी नक्शा भेजा जा रहा है, ताकि वो सुनिश्चित कराएँ कि उसी तरह दुकान लग रही हैं, और दुकानों पे जो मानक हैं उनको फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स और साथ साथ बालू और अन्य चीज़ें रखनी पड़ेंगी, जिससे अगर कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उससे वो उसको कॉम्बैट कर सके। तो सारी जो अनुमति है उसके क्लॉज में उनको रिस्ट्रिक्शंस और डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, तो इस बार 13 स्थानों पर दुकानें लगाई जाएंगी। देखिए महान दिग्विजयनाथ जी का पार्क है, इसके अलावा एक चंपा देवी पार्क है, इन दोनों जगहों पे बहुत बड़ा ग्राउंड होने के कारण इनका चिन्हित किया गया है, इनको चिन्हित किया गया है। इसके अलावा सेंट एंड्रयूज़ इंटर कॉलेज के ग्राउंड को भी चिन्हित किया गया है, और यह जो चिन्हीकरण किया गया है ये इस साल विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जो पहले पूर्व के स्थल थे वहाँ पे 50% ही दुकानें लगाई जा रही हैं, तो इसलिए उनको देखते हुए बाकी लोगों को समायोजित करने के लिए इस चिन्हित किए गए हैं। अगले साल इस पर अलग से विचार किया जाएगा।